मसला भाजी तीन मुंडे ही मेरी भतीजी नूं तंग करदे सी अगवा करन दी भी कोशिश कीती ही हो सकदा गैंगरेप भी कीता होवे उह तो दुखी हो के उहने फाह ले लिया वा ते पुलिस वालों एक बंदे ते उदन दा परचा होया ही कोई कारवाई नहीं हुई बस दे लागे खलो के गालां कढ़दे ही कहिंदे हुंदे सी भी साडे नाल गलत काम कर नहीं ते अहीं तैनूं अमृतसर के अजनाला तो मन चले नौजवानों तो तंग परेशान हो के एक 20 साल लड़की के वलों खुदकुशी करन दा मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के वलों बीती 25 फरवरी को आत्महत्या करने की कोशिश की गई थी, जिस तों बाद लड़की को हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया है। जानकारी मुताबिक लड़की ने फाह लैके आत्महत्या करने की कोशिश की थी अते इलाज दौरान लड़की की मौत हो चुकी है। यह भी कहा जाता है कि मनचले नौजवान लड़की को जबरदस्ती संबंध बनाने वास्ते मजबूर करते सन अते गाली गलोच करते सन, जिस तों तंग आके लड़की के वलों अजिहा खौफनाक कदम चुकिया गया है। नाल ही जानकारी यह भी निकल के सामने आई है कि 20 साल लड़की अपने चाचे की दुकान से सिलाई कढ़ाई का काम सीखने वास्ते जाती थी। इस पूरे मामले की होर जानकारी दिंदा होया मृतक लड़की के चाचे का की कहना है, आओ सुनते हैं। मसला भाजी तीन मुंडे ही मेरी भतीजी तंग करते मेरे ना इतने सिलाई का काम करना आती सी ते इन्हां नूं अगवा करन दी भी कोशिश कीती ही, हो सकदा गैंगरेप भी कीता होवे, उह तों दुखी हो के उहने फाह ले लिया वा। 25-26 तरीक दी उह एथलैटिक होस्पिटल अंबरसर इलाज दे इलाज च ही ते अज उहदी मौत हो गई आ ते पुलिस वालों एक बंदे ते उदन दा परचा होया ही कोई कारवाई नहीं हुई अरैसट कोई नहीं हुई। गुड्डी नूं इत्थे जदों छां दिने मेरे नाल काम ते आउंदी हुंदी सी जदों बस ते बहिंदी हुंदी सी ना 5 बजे मैं टाइम नाल उहनूं घल दिंदा हुंदा हां ते उहनूं बस दे लागे खलो के गालां कढ़दे ही कहिंदे हुंदे सी भी साडे नाल गलत काम कर नहीं ते अहीं तैनूं इस करके उहने तंग हो के एक दिन पहलों उहने घर दस्सिया वा भी चाची आह मुंडे मैनूं तंग करदे मैं इहनां तों दुखी हो के ते अपनी जिंदगी खत्म कर देनी। दूजे पासे यह भी जानकारी निकल के सामने आई है कि पीड़ित परिवार के हक के विच आण खलोते ने मजदूर संघर्ष कमेटी के मैंबर अते इन्हां मैंबरां दे वल्लों परिवार नूं इंसाफ दवाउण दे वास्ते पुरजोर कोशिश की जा रही है। तुहानूं सुनाउने आ मजदूर संघर्ष कमेटी के मैंबर साहिबानां दा की कहना है। मामला ये जी गरीब लोग ही इन्हां दी धी नूं परेशान करदे रहे मुंडे ते इन्हां ने विचारिया ने सच नहीं फिर इन्हां दबाया गल नूं कि चलो पर्दा पोशी रहे जी ते अहीं ये गल आख्या पिंड तौर पर कि चलो इन्हों का राजीनामा हो जाए तो चलो इन्ह की हक रसी नहीं हुई तो कुड़ी ने जोड़ा अक् सड़ के आ लै तो अज इन का रुपया भी 5-6 लाख लग गया बेचारे का वो भी अज डैथ हो गई संबंध के लोथ जाके पुलिस ने लियानी है इन्होंने बेचार संस्कार भी करना मजदूर संघर्ष कमेटी इन्होंने न्याय खलोती है जो इन्हों न्याय मिलेगा फिर अं पिछे हट जाए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है कोई अपना पराया नहीं वेखना चाहिए वह अपना कहदा जी किसी की धी भैन तंग करता दूजे पासे पुलिस प्रशासन के उत्ते भी दोषियों नूं लैके कार्रवाई ना करन दे इल्जाम लगाए गए ने। परिवार का कहना है कि इन्हें दिन बीत जाने तो बाद भी पुलिस के वल्लों किसी दोषी नूं गिरफ्तार नहीं किया गया। इस मामले के संबंधी कार्रवाई करन नूं लैके पुलिस अधिकारियों का की कहना है ये भी सुनो। ये जी अंजलि नाम की एक कुड़ी सी ते जिन्हें तीन मुंडिया के खिलाफ तंग परेशान आके फाह लिया सी ते जिस दौरान FIR लॉन्च कर दी गई सी ते दौराने इलाज अज इस दी मौत हो गई है ते वादा जुर्म करके ते दोषियों के खिलाफ छापेमारी ते कीती जा रही है। ये जी वेरीफाई कर रहे हैं तो जो आऊगा सामने सब कीते जाए। जिक्रयोग है कि फिलहाल दोषी नौजवान फरार दसे जा रहे हैं ते मजदूर संघर्ष कमेटी का कहना है कि जदों तक पीड़ित परिवार नूं इंसाफ नहीं मिल जाता वह पिछे नहीं हटणगे। अमृतसर तो हरदेव प्रिंस के नाल गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम TV।